Assalamu alaikum. Rabia and Farah are back today, and today we're going to do a new segment, start a new segment actually, Fuchsia Fashion and Home Diaries. So, इसमें क्या होने वाला है, राबिया आपको डिटेल्स बताएगी। सो फराह, याद है हमें बहुत हमारे ड्रामा कप के नीचे, इंटरव्यू के नीचे बहुत से कमेंट्स आते थे, फराह ये आपका टॉप बहुत अच्छा है, राबिया आपके इयररिंग्स बहुत अच्छे हैं, आपने कहाँ से लिए हैं। तो हम बहुत अरसे से हमें ये क्वेरीज़ आ रही थी, तो और हम बहुत अरसे से ये सोच रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको बताएं कि हम ये चीज़ें कहाँ से लेते हैं। और ये कोई बहुत फैशनेबल वीडियो नहीं है, ये वीडियो इसलिए है कि आपके लिए वैल्यू ऐड की जाए, वो चीज़ें जो फराह और राबिया को पसंद है, जो हम खुद इस्तेमाल करेंगे, हम आपको रेकमेंड करेंगे और आपको बताएंगे कि आप इस जगह से, इस दुकान से, इस ऑनलाइन पोर्टल से आप ख़रीद सकते हैं। इसमें ज्वेलरी भी हो सकती है, घर की चीज़ें भी हो सकती हैं, कपड़े भी हो सकते हैं, जूते भी हो सकते हैं, बैग्स भी हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें। इसीलिए हमने इसको होम एंड फैशन डायरीज नहीं, फैशन एंड होम डायरीज बोला है। दैट्स द होल आइडिया। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लुक। पहला आउटफिट जो मैं आपको रेकमेंड करने जा रही हूँ, इट्स फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड नक्श। नक्श का मतलब होता है इम्प्रिंट, निशान। मुझे नक्श नाम भी बड़ा अच्छा लगा इनका। जब मैंने इनके डिज़ाइन सारे ऑनलाइन जाके चेक किए तो मुझे जो चीज़ स्ट्राइक की वो ये कि बड़े मिनिमलिस्टिक डिज़ाइंस थे, और अगर मैं चाहूँ तो मैं उनको एक्सेसराइज़ कर सकती हूँ, और अगर चाहूँ तो उनको सिंपल भी एवरीडे में यूज़ कर सकती हूँ। दिस इज़ वॉट रियली क्लिक मी। सो पहला जो मैंने चूज़ किया है वो है दिस अंगरखा स्टाइल। और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा मैं यूजुअली बड़े फ्लोरी और लंबे कपड़े पहनती हूँ, सो दिस वाज जस्ट परफेक्ट फॉर मी। एंड इट हैड अ लिटिल बिट ऑफ कढ़ाई इधर सिल्वर में। नक्श के का मटेरियल जो यूजुअली होता है वो कॉटन, सैटन, कॉटन या लिलन में होता है, दिस वन इज़ कॉटन। तो जब मैंने पहना, फिटिंग बहुत ज़बरदस्ती, फ्लो बहुत अच्छी आ रही थी। नाउ अगर मैंने ये अपने किसी इंटरव्यू में पहनना होगा तो मैं इसको छोटे से इयररिंग्स के साथ एक्सेसराइज़ करूँगी, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मेरे लिए काफ़ी है ये जो कढ़ाई हुई हुई है, यू नो, एंड दिस विल मेक अ परफेक्ट आउटफिट फॉर माई फ्रॉम वन ऑफ माई इंटरव्यूज़। लेकिन अगर मैंने किसी थोड़े से बड़े ओकेजन लाइक ईद का लंच है या कोई ढोलकी है या अगर मिलाद भी है तो उस पर भी जाना है, तो मिलाद के लिए मैं भी जस्ट पुट अ दुपट्टा, लेकिन बाकी ओकेजन्स के लिए मैं इसको चूड़ियों के साथ, पिंक चूड़ियाँ, सिल्वर चूड़ियाँ, ये जो बड़े से झुमके हैं जो मैं बहुत कम पहनती हूँ, उनके साथ एक्सेसराइज़ करके, एंड विद माय फेवरेट खुस्सास, मुझे बहुत शौक है खुस्से पहनने का, उसके साथ मैं एक्सेसराइज़ करूँगी और मेरा फेस्टिव आउटफिट तैयार है। सो दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट इट, कि मैं इसको चाहूँ तो 2-3 तरीक़ों से एक्सेसराइज़ कर सकती हूँ और काफ़ी दफ़ा यूज़ कर सकती हूँ। ओके, सो मेरा नक्श का पहला जो पिक है वो वाज दिस कॉटन। कॉटन का इट्स अ शॉर्ट शर्ट। आई लाइक इट बिकॉज इसका ये यू था, एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि इट्स विद अ शलवार, एंड आई लव शलवार्स दीज डेज़। एंड ऑफकोर्स थोड़ा सा इस पर एम्ब्रॉयड्री भी हुई हुई है। अगर मैं इसको कैजुअली अपने किसी अपने स्टूडियो आ रही हूँ और पहनूँगी, सो आई विल जस्ट वेयर इट लाइक दिस ओनली विथ small maybe pearly earrings, but if I am doing it wearing it for an interview के लिए पहनूँगी तो फिर मैं of course इसको अपने किसी हल्की सी heel के साथ कर लूँगी। I do have these green wedges which I can add on with this, it has a little bit of green, और white के साथ आप कोई भी color, pop of color add कर सकते हो, तो easy है, आपके पास कुछ भी color है वो आप पहन सकते हो। And of course I have this हुमा अदनान की earrings, craft by stories की, so ये बहुत cute लगेगी इसके साथ। सेकेंड आउटफिट जो मैंने पिक किया है वो है दिस। आई हैव नेवर वॉर्न दिस कलर बाय द वे। जब मैंने इसको पहना, इसकी फिटिंग मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसका कट बहुत ज़बरदस्त था, कहीं से खुला नहीं था, कहीं से बहुत टाइट नहीं था, जस्ट परफेक्ट व्हाट यू वांटेड। मेरा दूसरा जो नक्श का पिक है वो was this black. I'm very neutral colors, so black and white it is. चूज़ उसकी आर्चेस की है वो एस्फीर है. एस्फीर इज़ अ पर्शियन नेम. वेरी नाइस. आई एम लविंग द वे इट सेज एस्फीर. एंड शॉल शॉर्ट एंड टू फ्रेंड्स तस्बी एंड हफ्सा जो टोरंटो से पढ़ के आए एंड दे स्टार्टेड अ बिजनेस. दे आर वेरी नोन फॉर देयर बर्ड केज ज्वेलरी एंड इसमें से ही अभी इस वक्त एक्चुअली आई एम वेयरिंग अ लिटिल बिट ऑफ बर्ड्स ओवर हियर. इट डजंट हैव दैट cling over here. It's white. I'm wearing it with black right now just to show the contrast to you. They've got all different kind of jewelries, choti, badi, choker, rings, everything. But हमने आज सिर्फ earrings use किए हैं. I usually choose something जो बहुत heavy नहीं हो क्योंकि मेरे कानों में दर्द हो जाता है. So and something जो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों के साथ जा सके. I like these. They look a little heavy, but I'm gonna try and see कि कैसे हैं. और काफ़ी फैंसी हैं विच आई फील आई कैन वेयर ऑन किसी लॉन्च पे पहन के जा सकती हूँ, डिनर्स पे, किसी बड़े इवेंट पे. या आई लाइक इट. आई थिंक ये वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों के साथ लाइक आई कैन वेयर इट विद अ कुर्ती या शिफोन का लंबा ड्रेस एंड आई कैन ऑल्सो वेयर इट विद अ टॉप ऑन द जीन्स. या आई लाइक दिस. So second one that I chose was something जो मैं daily अपने studio में पहन सकती हूँ. Even if I have a small interview, I can still wear it. So very cute. It's a ring and with a pearl with it. Which is the second one that I'll choose. I am confused between these two. I like these and these because I think they are both very wearable and ये सब के साथ जाएंगे. So I'm thinking which one to go for. I think I'll go with these ones. मुझे ये प्रैक्टिकल बहुत लग रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू गो फॉर दिस. सो दैट वाज आवर फर्स्ट वीडियो. आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि डिड यू लाइक इट. क्या आप लोगों को लगा कि हमने कोई डिफरेंट और कोई वैल्यू एडेड चीज़ की आप लोगों के लिए, कोई आपको इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा पहुँचाए, शुड वी कंटिन्यू इट और नॉट. अच्छा ये वाली अगर आ जाए तो फिर मान लेंगे हम सब एक दूसरे को. बिकॉज ये ज़रा छोटी हैं बट ऊपर की तो नहीं आ रही ना मेरी शक्ल. फंस गई. बहुत ही बुरी है ये. इसको मैंने वो की सॉरी जय फराह एक्शन है. यस गिव इट फराह गो. आप इधर आए करीब थोड़ा. इतना करीब नहीं आए. मेरा लेंस करीब आ जाता है. हाँ बस प्लीज एक ना फर्स्ट पे चप्पल से कोई रबिया. अच्छा रहने दो. ओके आइए. तो हो गया ना. एक दफा और दे दें. पहन भी लिया आपने. क्या कहेंगे नहीं पहना भाई. इस काम में पहना, इस काम में नहीं पहना, इस काम में रखा हुआ पहने ना. स्लोली वॉक करें. ये तो भागती भी आ रही हो मतलब के. अस्सलाम वालेकुम. फरा एंड राबिया आज आपके सामने जो कैमरे के सामने आप अपनी लैंग्वेज. अब देखो ये इंग्लिश में बोल रही है ना और मुझे इंग्लिश में बता रही है. इंग्लिश में लैंग्वेज में बात करें. आप अपनी जुबान में बात करें. मैं अपनी जुबान में बात कर रही हूं. ओके तुम बोल लेना उर्दू. अच्छा रुक जा मैं अपना ये सही कर लूं. Assalamualaikum. Rabia and Farah are back. Sorry.